रहीम दिस इज़ नूमेरिकल नंबर टू फिज़िक्स क्लास एलेवन सिन बोर्ड का फिजिक्स है व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस थ्री पॉइंट सेवन एंड टू ट्रेस टू पावर फोर सेंटीमीटर तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं आगे सबसे पहले मैं लिखूँगा डेटा डेटा में मेरे पास क्या है डेटा में जो मुझे चीज़ें दे दी गई हैं वो है गिवन लिख के सबसे पहले तो गिवन मुझे क्या दिया गया है गिवन इज़ द ओनली रेडियस तो रेडियस ऑफ आ सर्कल मुझे दे दिया गया है आर इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन एंड टू टेन रेज टू फोर सेंटीमीटर इज गिवन टू मी एंड द नेक्स्ट थिंग्स आई हैव टू फाइंड वट आई हैव टू फाइंड एरिया एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द सर्कल दिस आई हैव टू फाइंड सर्कल ए एंड नंबर टू अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी एक अलग क्वान्टिटी है इसका अलग फार्मूला है एग्जाम्पल्स में जिन स्टूडेंट्स ने इसको सीखा है उनको समझ में आ रहा होगा तो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला सो वी विल सॉल्व और दिस नोमेरिकल थ्रू दी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं हम एरिया फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल ए एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला मेरे पास है पाए आर स्क्वेयर ठीक तो यहाँ पर लिख लें एरिया ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वेयर आर मेरे पास है थ्री पॉइंट सेवन एंटू टेन रेज टू पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर सो थ्री पॉइंट वन फोर लिखें और ये स्क्वेयर पहले निकाल लें ठीक है तो ये स्क्वेयर निकालने से आपके पास आएगा थर्टीन पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन को थ्री पॉइंट सेवन में जब जरब दोगे थ्री थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन इन टू टेन रेज टू एट आएगा चार दो ने आठ ये आसान है ये मुश्किल है ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो यानी थ्री पॉइंट वन फोर और थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन को मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फोर्टी टू टू पॉइंट नाइन एन टू टेन रेज टू पावर एट और इसको आप इसकी राउंडिंग ऑफ डेटा करें पॉइंट को इस तरफ मूव करें तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट टू नाइन एट एन टू टेन रेज टू पावर पॉइंट को मैंने लेफ्ट मूव किया है तो ये एक बढ़ जाएगा रेज टू फावर नाइन हो जाएगा सो दिस इज एरिया एंड दिस विल भी सेंटीमीटर स्क्वेयर तो एरिया मेरे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गया अब अगला मैंने क्या फाइंड आउट कर रहे एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया ठीक है एक आंसर मेरे पास आ गया एरिया इज फाउंड अब वो मुझे क्या कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी तो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी का फार्मूला अलग है वो मैं लिखूँगा अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी के लिए मेरे पास फार्मूला है डेल्टा ए डिवाइड बाय एरिया ए इक्वल टू टू एन टू डेल्टा आर डिवाइड बाय आर ठीक अगर ये डेल्टा वी होता तो मैं थ्री में मल्टीप्लाई करता और अगर आर है तो मैं टू में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब यहाँ मेरे पास मुझसे अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी मांगी गई है तो अब इसमें वैल्यू पुट करें यहाँ पे लिख लें डेल्टा ए व्हाट इज डेल्टा ए डेल्टा ए इज अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन एरिया और एरिया मेरे पास फाइंड आउट हो गया वो है फोर पॉइंट टू नाइन एट इन टू टेन रेज टू फोर नाइन इज इक्वल टू टू लिख लें और डेल्टा आर लिख लें डेल्टा आर मेरे पास आर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है ठीक है तो आर के अंदर मेरे पास अनसर्टिनिटी होती है आम तौर पे पॉइंट ज़ीरो फाइव एन टू टेन रेज टू फोर सेंटीमीटर ठीक ये यहाँ पे दिया गया नहीं है आपकी किताब में लेकिन ये वैल्यू आपको दे देनी चाहिए थी और आर मेरे पास है रेडियस मेरे पास ऑलरेडी मालूम है थ्री पॉइंट सेवन एन टू टेन रेज टू फोर सेंटीमीटर अब इसको सॉल्व करें डेल्टा आर इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आएगा टू एन टू ये दोनों डिवाइड करते हैं तो ये दोनों डिवाइड करने से आएंगे पॉइंट ज़ीरो वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव एन टू टेन रेस्ट पावर फोर और ये टेन फोर ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस फोर हो जाएगा ठीक है यानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इसको साथ साथ लिख ले डेल्टा ए डिवाइड बाई फोर पॉइंट टू नाइन एट इंटू टेन रेज टू पावर नाइन ये लिख लें ये ए की वैल्यू है एरिया की वैल्यू है सेंटीमीटर स्क्वेयर यहाँ पे फिर लिख लें इसको डेल्टा ए डिवाइड बाई फोर पॉइंट टू नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन अच्छा ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये जो टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनती है पॉइंट ज़ीरो टू सेवन और ये टेन रेस टू पावर फोर और माइनस फोर ये बराबर हो जाएगा जीरो का और ये ज़ीरो बराबर होता है वन का तो ये वन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ डेल्टा ए लिख रहे हैं डेल्टा ए जो अप्रोक्सीमेट अनसर्टिनिटी है एरिया के अंदर वो मेरे पास बराबर हो जाएगा पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट ज़ीरो टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय फोर पॉइंट टू नाइन एन टू टेन रेज टू फॉर नाइन और इन दो वैल्यू को आसान है कैलकुलेटर से ये दो आसान वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें नाइन को पावर को आप नहीं छेड़ेंगे ठीक है तो ए आएगी आपके पास पॉइंट वन वन एन टू टेन रेज टू फॉर नाइन ठीक सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा तो ये आपके पास आ गया डेल्टा ए तो अनसर्टेनिटी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन एरिया तो ए प्लस प्लस डेल्टा ए यानी एरिया और उसके अनसर्टेनिटी किस चीज़ के बराबर है एरिया मेरे पास है फोर पॉइंट टू नाइन एट फोर पॉइंट टू नाइन एट एन टू टेन रेज टू फावर नाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस ठीक प्लस माइनस पॉइंट वन वन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर तो दोनों वैल्यू चूँकि एक जैसी है तो अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इन एरिया मेरे पास बराबर हो जाएगा 4.298 प्लस माइनस 0.11 और ये जो पावर है ये दोनों के साथ मिल के ऊपर चला जाएगा ठीक मल्टीप्लाई बाई टेस्ट तो पावर नाइन और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर तो ये आपका मालूम हो गया क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर टू के अंदर अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी है बहुत इजी है स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे इसको तो ये इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है फार्मूला आना चाहिए अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी का इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है लेकिन यह है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि डेल्टा ए डिवाइड बाई इज़ इक्वल टू टू इन टू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर ये अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी का फार्मूला है ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई होगी वीडियो और आप इसको सेफ फ़ायदा लेंगे इन